नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या हर चुनाव विकास के मुद्दे से शुरू होकर जातिगत हो जाता है और नेताओं का आधार भी जनाधार से जुड़ी जाति होता है। राजस्थान के उपचुनाव में एक बार फिर से यही देखा गया। अलवर से लेकर अजमेर और मांडलगढ़ तक जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों को बांटकर ये बता दिया गया कि चुनाव जीतने के लिए न आरोप चाहिए, न विकास का विजन चाहिए, न सत्ता पक्ष की विफलता चाहिए और न ही विपक्ष की कमजोरी चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो है कि कैसे जातियों को अपने पक्ष में किया जाए। तो फिर खुलकर कोई क्यों नहीं कहता कि चुनाव विकास के विजन के साथ नहीं, बदलाव के भविष्य की उम्मीदों के साथ नहीं, बल्कि जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है और जीता जाता है। आज बात इसी मुद्दे। सेमीफाइनल, तो क्या वाकई में जो इस सेमीफाइनल को जीत जाएगा वो फाइनल जीतने के लिए 2018 में सबसे ज्यादा दावेदार होगा? और क्या ये चुनाव ये भी बता जाएगा कि जातिगत समीकरण विकास और नाकामियों से कहीं ऊपर होता है और इससे जुड़े इतने मजबूत हैं कि चुनाव को बिना जातिगत समीकरण को समझे जीता ही नहीं जा सकता? फिर चाहे बाकी मुद्दे कितने ही पीछे क्यों ना छूट जाए, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मुकेश चेलावत जी, किसान महापंचायत के प्रतिनिधि फूल सिंह बड़बड़वाल जी और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। इनसे बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों नेता विकास के मुद्दों को छोड़कर, किसी नेता के कामों को छोड़कर जैसे नेता मैदान में उतरते हैं उसका जातिगत समीकरण से जुड़ाव होता है। ये रिपोर्ट। अजमेर में शर्मा बनाम जाट के बीच मुकाबला हो, अलवर में इतिहास को देखते हुए, विजय आंकड़ों को देखते हुए यादव बनाम यादव मुकाबला होगा, यानी जीत यादव उम्मीदवार की होगी। वहीं मांडलगढ़ में ठाकड़ बनाम राजपूत के बीच मुकाबला होगा। जातिगत आधार पर मुकाबले को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि दोनों ही पार्टियों ने ये मान लिया कि ना तो सत्ता पक्ष के विकास के दावे उसको जिता सकते हैं, ना ही सरकार की विफलताओं को गिनाने के सुख विपक्ष को सत्ता दिला सकते हैं। दोनों की राजनीति बेशक विकास के दावों के इर्द गिर्द घूमे, लेकिन चुनाव का कड़वा सच यही है कि दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरणों का आधार बना जीत की धुरी तय की है। अगर अजमेर की बात करें तो यहां जाट समुदाय को लुभाने के लिए स्वर्गीय सांवरलाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया गया, तो वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम को अपना वोट मानती है। गुर्जर वोटों के लिए सचिन पायलट का चेहरा और ब्राह्मण बीजेपी के साथ ना चला जाए, इसलिए रघु शर्मा पर दाव खेला, यानी पूरे तरीके से जातिगत समीकरणों के आधार पर नेताओं का चयन किया। वहीं अलवर में इतिहास को देखते हुए सीधे तौर पर दोनों ही पार्टियों ने यादव फैक्टर के साथ चुनाव में जाने का फैसला किया, क्योंकि यहां 11 चुनाव में से 8 बार यादव जीते हैं, इसलिए ना तो भंवर जितेंद्र मैदान में उतरे, ना ही बीजेपी को जसवंत यादव के अलावा कोई विकल्प दिखा। वहीं मांडलगढ़ का चुनाव भी जातिगत आधार पर होता दिख रहा है। धाकड़ वोटों के लिए कांग्रेस ने विवेक धाकड़ को टिकट दे दिया, तो वहीं बीजेपी ने राजपूत और रावणा राजपूतों की तादाद को देखते हुए शक्ति सिंह हड्डा को टिकट दे दिया, यानी प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण किस हद तक हावी है और किस हद तक पार्टियां इनसे डरती हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के पथ पर चलते और पारदर्शिता से जातिगत राजनीति से ऊपर उठने का जो दावा किया जाता है वो पूर्ण रूप से सियासी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आज प्रोग्राम में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये चुनाव विकास से ज्यादा जातिगत आधारित है? आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी वेबसाइट पर रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम आपकी रिएक्शन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने साथ जुड़े माननीयों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वो आपकी रिएक्शन से इत्तेफाक रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। मानचंद खंडेला जी, सर विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 6 नाम घोषित हुए हैं तीनों सीटों पर, क्या वाकई में आपको लगता है कि जातिगत आधार को ध्यान में नहीं रखा गया, सिर्फ विकास के एजेंडे के साथ काम करने वाले नेता को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया? देखिए, ये बात तो अपने आप में ही जो है वो भ्रांतिपूर्ण लग रही है कि विकास के आधार पर कोई भी चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी विकास वाली कोई बात नहीं है, केवल बात यह है कि हमें चुनाव जीतना कैसे है। और आपने बिल्कुल अपनी प्रस्तावना में जो कुछ कहा कि यहां जातियां को देखकर और इस प्रकार निर्णय किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं,
यानी जिस तरह से आप जाति को अपनी जेब में रख रहे हैं वो जमाना चला गया। और जहां तक आपने पहली बात तो ये अजमेर में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो स्वाभाविक प्रत्याशी था सचिन पायलट वो लड़ क्यों नहीं रहे हैं, यानी उनके लड़ने से हारने की पूरी संभावनाएं थी, आशंकाएं थी। ठीक है, अब सवाल यार इसका मतलब एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो अपनी हार का वर्णन कर सके जी। और अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जब तक ये बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि किसी जमाने में रघु जी अशोक जी के बहुत खासम खास थे जो अब नहीं है, सचिन जी के वो बने नहीं हैं। कार्यकर्ताओं में जब वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी कार्यकर्ता उनसे बेहद नाराज थे, अहंकारी प्रवृत्ति के वो तब भी दिखते थे जब वो स्पोक्स पर्सन थे जी। और जहां तक ब्राह्मण का सवाल है, ब्राह्मण जैसी बात जो है ना वो उनमें है नहीं। और बाकी जो कुछ है वो सवाल यार है कि जहां तक उनकी गतिविधियों का सवाल है, अन्यथा कारणों से वो प्रचारित रहे। लेकिन मानचंद जी मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई में कोई उम्मीदवार बेहतर किसी इलाके में काम कर रहा है, टिकट की उम्मीद रखता है, लेकिन वोट बैंक उसका वैसा नहीं जैसा जातिगत आधार पर होना चाहिए, तो सर उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि पार्टियां तो जातिगत आधार पर टिकट देंगी। देखिए सवाल, देखिए मैं इसके पीछे भी एक कारण बता रहा हूं आपको, मैं कम से कम कांग्रेस की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति को जानता हूं कि जो हारेगा वो भी उस क्षेत्र का नेता होगा। कोई भी मीटिंग होगी आप देख लीजिए तो क्या कहा जाएगा, सांसद या प्रत्याशी, विधायक या प्रत्याशी। तो ये जो इसका मतलब केवल नेता बनने के लिए, दूसरी बात ये अगर आप अलवर की बात करेंगे तो कर्ण सिंह जी बहुत स्वाभाविक प्रत्याशी हैं, नो डाउट। उनमें जो वास्तव में जो है आम आदमी में छवि उनकी अच्छी है, कांग्रेस के मैं समझता हूं शायद कि सभी वर्ग उनका जो समर्थन करेंगे। और जहां तक यादव की बात है, यादव की वोट तो बटेंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत भयंकर बड़ी गलती कर ली। वो क्या कर ली, इस तरह की रैली निकाल दी आज उन्होंने, क्या हमारे पास में कितने हजार लोग हैं, मैं समझता हूं उससे 10 गुना ये कांग्रेस ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं वो तैयारी कर लेंगे जी। इसलिए आपने जो पहला जो आपने वार किया ना वो प्रतिवार में वास्तव में ठीक है। ठीक है मुकेश चेलावत जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस जातिगत राजनीति करती है और इसलिए तीनों सीटों पर जाति को आधार मानते हुए या जिस जाति के ज्यादा वोट है उससे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया? देखो सबसे पहले विजेंद्र जी मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पहले ही मुद्दे पर अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के अलवर में अगर ओपनर बैट्समैन थे तो भंवर जितेंद्र सिंह थे। भंवर जितेंद्र सिंह पिछले चुनाव लड़ भी चुके हैं, और क्या कारण था कि जब डॉक्टर करण सिंह को जो उनको पिछले 2 चुनावों से पिछले 10 साल से राजनीति से आउट कर रखा था सर, तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, बीजेपी को तो अभी से मिठाई बांट देनी चाहिए अगर ऐसा सोचती है तो। नहीं, सोच लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में अलवर से करण सिंह जी का आना, करण सिंह जी को अजमेर से आधार पर जी का आना और मांडलगढ़ से धाकड़ का आना, ये जाति का आधार पर चुने गए? बिल्कुल, इनने जातिगत आधार पर इनको चुना है, क्योंकि वो डॉक्टर करण सिंह चाहे अलवर से जनप्रतिनिधि रहे हैं लेकिन वो अलवर के लोकल नहीं है, वो बाहरी व्यक्ति हैं। और कांग्रेस को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व से ही एक तरह से अघोषित रूप से डॉक्टर जसवंत यादव प्रत्याशी के रूप में अपनी तैयारी कर रहे थे, तो कांग्रेस को लग रहा था कि वहाँ से यादव उम्मीदवार आएंगे। और इस नाते से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जसवंत यादव को इसलिए उम्मीदवार नहीं बनाया कि वो यादव है, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जो अलवर को बिलोंग करते हैं, अजमेर को बिलोंग करते हैं और मांडलगढ़ को बिलोंग करते हैं, उन लोगों से व्यक्तिशय राय ली, बड़ी कवायद की, और कवायद के बाद में जो सर्वसम्मति से नाम आया है उस नाम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुने। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जसवंत यादव भारतीय जनता पार्टी के ओपनर है, कैबिनेट मंत्री है, पार्टी ने अगर इसको हार को या इसको अगर चुनाव को हल्के में लिया होता तो अपने कैबिनेट मंत्री को मैदान में नहीं उतारते। भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बिगुल के साथ में अपने कैबिनेट मंत्री को मैदान में उतारा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जातिगत आधार पर नहीं पर भारतीय जनता पार्टी। सर यानी कि ये तो मान लिया जाए कि अलवर के अंदर बाहरी का भी नारा बीजेपी की तरफ से लगता हुआ नजर आएगा। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी सर स्वागत है आपका, और सवाल ये, क्या वाकई में आपको लगता है कि अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ तीनों ही सीटों से बीजेपी ने जातिगत समीकरण को आधार मानते हुए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे? जातिगत समीकरण का सोचना है नहीं सोचना, ये अपना एक आंकलन है, लेकिन अपने आपको एक बहुत बड़ी कैडरबाज पार्टी कहने वाली उस पार्टी का जो चुनाव का जो एक तरीका है वो एक सिंपैथी के अजमेर में एक सिंपैथी के एंगल पे चुनाव लड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ अलवर जैसी जगह पे जहाँ पे अपने मंत्री को उतार के विधानसभा की एक सीट और खाली करने के लिए जो जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव लड़ने वाले और योग्य जो कहीं ना कहीं कंटेस्ट करने वाले जो लोग थे उनकी कमी थी। सरकार मुद्दों से इतर, सहानुभूति के सहारे और
जाति के कार्ड के सहारे उतरना चाह रही है, क्योंकि हमने अलवर के अंदर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद में इन्हें अपने आप को बैकांत लगा। सर, परिवारवाद का पेटेंट सिर्फ कांग्रेस के पास है? नहीं, ये तो पेटेंट किसके पास है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जिस प्रकार से ये जो परिवारवाद का जो नारा देने वाले लोग थे, आज एक छोटी सी पीढ़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस के पास परिवारवाद का पेटेंट है? ये पेटेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात पे जरूर प्रश्न पूछना चाहिए कि जो परिवारवाद की जो बात करने वाले थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला, एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो चुनाव में उतार सकते हैं और एक सिंपैथी के और एक परिवारवाद के सहारे से अपनी नेतृत्व पार करना चाहती है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि वहां पर जाट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया, अलवर के अंदर यादव फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सरकार की ताकत को ध्यान में रखते हुए और यादव के साथ जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, अलवर के अंदर हमने प्रत्याशी चयन सबसे पहले घोषित किया। अगर अलवर के अंदर इन्हें जातिगत फैक्टर पे नहीं जाना था, जातिगत समीकरण पे नहीं जाना था, तो किस प्रकार से एक अपने मंत्री को लोकसभा के चुनाव में उतारना पड़ा? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं भय होगा। और जिस प्रकार से सूबे की जो मुख्यमंत्री है जिन लोकसभा क्षेत्रों में और विधानसभा में गई, तब समाज के लोगों से जिस प्रकार से मिल मिल के उन्होंने समाज को मोबिलाइज करने का एक प्रयास किया था, आज प्रदेश की जनता और इन संसदीय क्षेत्रों के लोग जानते हैं कि जाति में बंटने से बेहतर है जो आपने वादे किए वो जवाब दें। और आपके इस चार साल के दौरान जिस प्रकार से प्रदेश, आप ये कह रहे हैं कि मांडलगढ़ के अंदर विवेक धाकड़ को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर धाकड़ फैक्टर सबसे ज्यादा है, वोट बैंक सबसे ज्यादा, आप ये नहीं कहेंगे? विवेक अभी नहीं कहेंगे कि अजमेर के अंदर रघु शर्मा को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि गुर्जरों को समझाने के लिए सचिन पायलट है, बाकी वोट बैंक आप अपना समझते हैं, जो ब्राह्मण वोट बैंक वहां का है वो साथ रहे इसलिए रघु शर्मा को टिकट नहीं दिया गया? और क्या करण सिंह यादव को सिर्फ अलवर के अंदर यादव फैक्टर की वजह से टिकट नहीं दिया गया? आप ये नहीं मानेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, इसलिए नहीं मान सकता कि विवेक धाकड़ की जो आपने बात की, विवेक धाकड़ इससे पूर्व भी हमारे प्रत्याशी थे, हारे हुए। हाँ, निश्चित रूप से हारे हुए थे, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन के साथ में, बहुत बड़े वोट लिए, बहुत बड़ा वोट उनके साथ में था, बहुत बड़ा शेयर था। 18,000 कम होना या नहीं होना, प्रदेश की जनता ने जो उस टाइम जितना जो प्रचंड बहुमत दिया, इन्होंने जो वादे किए थे, आज उनकी जवाब का समय है। जब ये चुनाव के अंदर जाएंगे, जो उन क्षेत्र से जो लोगों से जो वादे करके आए थे, आज खनन की जिस प्रकार से ये रॉयल्टी की, सर कह दीजिए ना, छोड़िए ना सर, ये बातें सियासी छोड़ दीजिए, कहिए ना कि जातिगत आधार को ध्यान में रखकर देते हैं वोट, टिकट देते हैं, क्या दिक्कत है? ये किसी का भी सोचना हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का सोचना हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पर जाती है, बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता कांग्रेस का सोचना, ये बिल्कुल नहीं है। उस आदमी ने यूथ कांग्रेस से अपना करियर शुरू किया, यूथ कांग्रेस में विधानसभा का उपाध्यक्ष बना, राहुल गांधी के जो चुनावी सिस्टम था, उस चुनावी सिस्टम की प्रक्रिया से वो इस संगठन के अंदर आए और आज उन्होंने पार्टी ने उन पे विश्वास व्यक्त किया और बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ में। ठीक है सर, मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि कांग्रेस अगर हार भी जाएगी तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, कह देंगे कि हारे हुए उम्मीदवार थे, मैदान में उतरे, दोबारा हार गए। अजमेर और अलवर से पीसीसी चीफ और भंवर जितेंद्र को उतारा नहीं मैदान में, तो फ्री के साथ साथ सेफ खेलते हुए आप नजर आते हैं। और जातिगत आधार पर सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। बड़बड़वाल जी सर, किसान खेतों से निकलकर अब सियासत में आ रहा है, क्या वो मान चुका है कि सियासतदान जो है वो किसानों के साथ नहीं? रामपाल जाट जी अलवर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में? हमें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया और ये दोनों ही दलों ने किया। स्वामीनाथन आयोग की कमेटी का गठन हुआ अटल जी के शासनकाल में, अटल जी ने किया और उसकी सिफारिश आई मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2006 में, और 2006 में हुड्डा कमेटी समीक्षा के लिए बिठाई और उसने भी 2007 में सिफारिश दे दी। तो कांग्रेस ने उस टाइम किसानों की उस आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। फिर 2014 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक जगह नहीं 50 जगह तो भाषणों में कहा, इनके घोषणा पत्र में लिखा गया कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है हूबहू लागू करेंगे। आज तक इन्होंने लागू किया नहीं। उस चीज को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं किसान के बलबूते पे, न कि किसी जाति के बलबूते। अजमेर को छोड़ दिया गया सर, अजमेर में हमारे किसान की चर्चा चल रही है जी। जब भी एक मजबूत किसान हमारे को जो ही मिल रहा है उसको वहां भी हम चुनाव लड़ा रहे हैं। मांडलगढ़ हमारा चुनाव का लड़ने का पहले नए विचार है, नए लोकसभा में दोनों जगह प्रत्याशी उतार रहे हैं।
ठीक है सर, यानी कि आप केंद्र में पहुंचाएंगे अपने सांसदों को, प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। आयोग की रिपोर्ट तो केंद्र से ही लागू होती है जी। वहां इन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कहा हम इसको लागू नहीं कर सकते, इसलिए हम हमारा नुमाइंदा वहां भेज के कम उस सदन में ये बात रख पाए। इसलिए हमारा प्रयास है कि किसानों के द्वारा किसानों के लिए ही एक सांसद वहां जाए। ठीक है मांजन खंडेला जी, सर अलवर के अंदर माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल है, अब अगर वहां से रामपाल जाट जी चुनावी मैदान में होंगे, आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि एक दौर में रामपाल जाट जी बीजेपी के बेहद खास रहते थे, मंत्री तक रहे हैं, सर मुसीबत खड़ी कर देंगे बीजेपी के लिए? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्टी में रहना और पार्टी से निकल कर प्रत्याशी बनना, इसमें जमीनासा का अंतर है। रामपाल जी बहुत ही श्रद्धेय थे बीजेपी के लिए और किसानों के लिए भी वो जो है बिल्कुल आत्मीय है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन वोट की राजनीति जो है ना उस समय हाथ कुछ अलग तरह से जो है ना काम करता है। और मैं समझता हूँ कि रामपाल जी जो फिर भी ये मानना पड़ेगा, रामपाल जी जो हैं वो बीजेपी के वोट ज़्यादा लेंगे जितने मिलेंगे, चाहे उनको 5,000 मिले 7,000 मिले 10,000, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, और कांग्रेस के वो कम लेंगे, इसलिए तुलनात्मक रूप में अगर कोई नुकसान वो कर पाएंगे अगर तो वो बीजेपी के प्रत्याशी को करेंगे, एक बात तो मैं ये कहना। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। क्या मांचन जी ये भी कहना चाहते हैं कि फिर कांग्रेस ने अलवर के अंदर बीजेपी को हराने के लिए एक और ट्रंप कार्ड खेला और रामपाल जाट जी को मैदान पे उतार दिया? इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में 21वीं सदी में आकर भी जातिगत आधार पर चुनाव के अंदर उम्मीदवारों को उतारा जाएगा और कहा जाएगा कि विकास के विजन के साथ हम आगे बढ़े? छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट। पिछले जो 15 साल से ट्रेंड चला है और अजमेर तो इस मामले में रहा है कि यहाँ जाति समीकरण ही जो है चुनाव का आधार रहे हैं, हालांकि मुद्दे उठते हैं चुनाव के दौरान में, लेकिन उस दौरान जाति समीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। निश्चित तौर पे ये उपचुनाव राज्य सरकार के लिए भी एक तरह की परीक्षा है और कांग्रेस के लिए भी है।